Dear students, welcome back to all of you. Hope you are safe and healthy indoors. Today we will start class 12th macroeconomics unit 1 and the first chapter is circular flow of income. The chapter name is circular flow of income. As cleared it's my name circular means in a circle, flow means continuously movement of income. Income ka continuously move karna in a circle mein. We know human wants are unlimited. Human wants kya hai? Unlimited and recurring hai. इसी अनलिमिटेड और रेकरिंग वॉन्ट्स में रेकरिंग मीन्स हैपनिंग अगेन एंड अगेन जो बार बार पैदा होती हैं ह्यूमन वॉन्ट्स इसी ने प्रोडक्शन प्रोसेस को एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बना दिया है. द अनलिमिटेड एंड रेकरिंग वॉन्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स है मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कॉन्टिन्यू प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या है, इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज दीज आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. क्योंकि प्रोडक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. विदाउट दिस प्रोडक्शन आर नॉट पॉसिबल. सो इन दिस प्रोसेस जो ये डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज आर कंबाइंड टुगेदर. इनको कंबाइन करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. फर्स्ट फर्म्स क्या करती है, गुड्स को एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है किसकी हेल्प से, द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से फर्म मेक्स पेमेंट. देन फर्म मेक्स पेमेंट, फर्म पेमेंट करेगी टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इन विच किस फॉर्म में, फॉर्म ने लैंड यूज किया तो उसके ऊपर क्या पे किया जाएगा, रेंट पे करेगी. फॉर्म ने लेबर को यूज किया उसके ऊपर क्या पे करेगी, वेजेस. कैपिटल के ऊपर क्या पे किया जाएगा, इंटरेस्ट. एंड एंटरप्राइज जो मेहनत कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स उनको उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट. नंबर फर्स्ट इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या होता है, फर्स्ट वन इज द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वी आर डूइंग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट्स द प्रोसेस. इस प्रोसेस में क्या होता है, लिसन मी एंड लुक एट द स्क्रीन ऑल्सो. इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज आर कंबाइंड टूगेदर. इनको कंबाइन किया जाता है फॉर फैक्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए. फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के हेल्प से, सप्लाइड बाय द हाउस होल्ड सेक्टर. जो हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या किया है, सप्लाई किया. देन फर्म क्या करेगी, फर्म ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज किया तो उनको क्या पे किया जाएगा, फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में पे करेगी उनको. फर्म लैंड के ऊपर क्या पे करेगी, रेंट. लेबर को क्या पे करेगी, वेजेस. कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, प्रॉफिट. सो फर्म क्या करेगी, पेमेंट करती है. आफ्टर दैट जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके बाद जो उसको जो फैक्टर पेमेंट मिली फर्म से वो उसको क्या करेगा, स्पेंड करेगा. किस पे स्पेंड करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज पे. जो फर्म ने क्या किया, प्रोड्यूस किया, वो उसको खरीदेगा, परचेस करेगा. अब वापस मनी किसके, वो इनकम किसके पास चली जाएगी, प्रोड्यूसर सेक्टर के पास चली जाएगी. सो इट्स अ फ्लो, ये फ्लो है, कॉन्टिन्यूसली फ्लो है. इट्स अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की इनकम फ्लो मूव करती है. कैसे मूव करती है, सबसे पहले ये लिसन में फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है. लेकिन कैसे प्रोड्यूस करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करती है. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मीन्स लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, इनको यूज करती है. फर्म इनको पे करेगी फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में. लैंड के ऊपर रेंट पे करेगी, कैपिटल को इंटरेस्ट पे किया जाएगा, लेबर को वेजेस पे किया जाएगा. फिर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो इस रेंट वेजेस इंटरेस्ट को स्पेंड खर्च करेंगे. किस पे खर्च करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेस पे. इनको परचेज, इनको खरीदेंगे वापिस. फिर इनकम का फ्लो कैसे हो जाएगा, हाउस होल्ड से फर्म की ओर. सो ये एक फ्लो है जो पहले फर्म से हाउस होल्ड की ओर, फिर हाउस होल्ड से फर्म की ओर कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है. इनकम फ्लो फर्स्ट, इनकम फ्लो फर्स्ट कैसे मूव करता है, फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड, फर्म से हाउस होल्ड की ओर इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में. एंड देन और उसके बाद हाउस होल्ड से वापिस किसके पास जाएगा, फर्म्स के पास जाएगा. इन द फॉर्म किस फॉर्म में जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में. सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. इसी मनी के फ्लो को क्या कहा जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहा जाता है. सो व्हाट डू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. जब प्रोडक्शन होता है तो इनकम क्या होती है, जनरेट होती है. इट डिस्ट्रीब्यूशन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किसको किया जाएगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को. रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट की फॉर्म में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. फाइनली इट्स सर्कुलेशन, अब हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा, फाइनली फिर इसको खर्च करेगा. तो फ्लो कैसे होगा, हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम. सो मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस.
इट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली इट सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम. नाउ फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देयर आर थ्री डिफरेंट फेसेस, जनरेशन फेस, डिस्ट्रीब्यूशन फेस एंड डिस्पोजिशन फेस. जनरेशन फेस क्लियर बाय इट्स नेम, इन दिस फेस फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगी विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज. फर्म ने क्या किया, फैक्टर सर्विसेज को यूज किया. यस यू लुक एट द स्क्रीन, दिस इज द हाउस होल्ड सेक्टर एंड दिस इज द फर्म. फर्म क्या यूज कर रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज कर रही है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर को यूज कर रही है. उसके बदले में इस रेड लाइन को देखो, फर्म क्या पे कर रही है, लैंड के ऊपर रेंट पे करेगी, लेबर को क्या पे करेगी, वेजेस पे करेगी. तो फ्लो किसकी तरफ से, फर्म की ओर किसकी तरफ हो रहा है, हाउस होल्ड की तरफ हो रहा है. हाउस होल्ड क्या करेगा, फिर इसको खर्च करेगा, दोबारा किसके पास आ जाएगा, फर्म के पास आ जाएगा. लेकिन वो इसके बदले में क्या लेगा, गुड्स एंड सर्विसेस लेगा. अगर हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है तो उसके बदले में फर्म से क्या लेता है, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की ओर होता है. अगर हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म हाउस होल्ड सेक्टर को वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट पे करती है तो हाउस होल्ड सेक्टर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की फॉर्म में वापस इसका फ्लो हाउस होल्ड से फर्म की ओर हो जाता है. सो दिस इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है. देर आर थ्री फेसेस. फर्स्ट वन इज द जनरेशन फेस, क्लियर बाय इट्स नेम कि जनरेशन फेस में क्या होता है, फर्म गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है फैक्टर सर्विसेज की हेल्प से. डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, द फर्म इन्वॉल्व द फेसेस इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, इसमें फैक्टर इनकम का फ्लो होगा, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट का फर्म से हाउस होल्ड की ओर की डिस्ट्रीब्यूशन है. फर्म डिस्ट्रीब्यूट करेगी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को हाउस होल्ड सेक्टर में. डिस्पोजिशन अगेन जो हाउस होल्ड सेक्टर है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा जो फर्म ने बनाई है, और वापस फ्लो हाउस होल्ड सेक्टर से किसकी ओर हो जाएगा, फर्म की ओर हो जाएगा. सो ये फ्लो कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है जिससे एक इकोनॉमी चलती रहती है. इन दिस वे इनकम जनरेशन जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स, जो इनकम जनरेट होती है प्रोडक्शन यूनिट्स में, रीच बैक वापस उनके पास आ जाती है, प्रोडक्शन यूनिट्स के पास, एंड मेक द सर्कुलर फ्लो कंप्लीट. और इससे फ्लो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट कंसेप्ट इज स्टॉक एंड फ्लो. स्टॉक, द कंपोनेंट्स ऑफ स्टॉक एंड फ्लो आर यूज फ्रीक्वेंटली मैक्रो इकोनॉमिक्स में, हम इनको यूज करते हैं द कंसेप्ट स्टॉक एंड फ्लो की कंसेप्ट को. सम ऑफ द वेरिएबल, कुछ वेरिएबल्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्टॉक से रिलेटेड है और कुछ हैं जो फ्लो से रिलेटेड है. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है इनके मीनिंग को समझना कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है. स्टॉक, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. यस रिमेंबर इट, विच इज मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, वो वेरिएबल है विच इज मेजर्ड, जिसको हम मेजर कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट में. स्टॉक ऑफ गुड्स इन गोदाम, जैसे गोदाम में 31 जनवरी 2015 को जो स्टॉक है दैट इज द स्टॉक वेरिएबल है. इट मीन्स स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल, ये टाइम से रिलेटेड नहीं है. सम मोर एग्जाम्पल, ये पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड है, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, बट पॉइंट इन टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट में जो हम मेजर कर सकते हैं दैट आर द स्टॉक वेरिएबल. सम एग्जाम्पल ऑफ स्टॉक वेरिएबल, नेशनल वेल्थ, नेशनल इनकम, मनी सप्लाई. एंड फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल किसको रेफर करता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम को, पीरियड ऑफ टाइम को. जो स्टॉक है, यस लिसन मी एंड अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, दिस कंसेप्ट. फर्स्ट वन इज अ स्टॉक, स्टॉक किससे रिलेटेड है, पॉइंट इन टाइम से रिलेटेड है. और फ्लो किससे रिलेटेड है, पीरियड, पीरियड वन वीक भी हो सकता है, वन मंथ भी हो सकता है, वन ईयर भी हो सकता है. सो दिस इज द फ्लो वेरिएबल विच आर रिलेटेड टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ. अब हम जैन मंथ की बात कर रहे हैं, ये वन मंथ से रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड, ये क्या हो जाएगा, फ्लो वेरिएबल हो जाएगा. जो पॉइंट इन टाइम की पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेट होगा, लाइक स्टॉक इन गोदाम, कि गोदाम में 31 जैन को कितना स्टॉक है. मनी इन योर अकाउंट, आज आपके अकाउंट में कितनी मनी है, कि कितना पैसा आपके अकाउंट में डिपॉजिट है. अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं तो वो स्टॉक है. अगर हम ओवर अ पीरियड ऑफ बात टाइम की बात करते हैं, जैसे एग्जांपल आर गिवन, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जैन, जैन के मंथ की बात कर रहे हैं, जैन मंथ की बात कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, सो दिस इज द फ्लो वेरिएबल. बर्थ रेट इन द ईयर, होल ईयर की बात कर रहे हैं कि होल ईयर में बर्थ रेट क्या है, सो दिस इज द फ्लो कंसेप्ट. नेशनल इनकम इन द ईयर,
जो नेशनल इनकम है वो भी होल ईयर से रिलेटेड है, सो दिस इज द फ्लो कंसेप्ट। द पीरियड ऑफ टाइम कुड बी, अब ये पीरियड वन डे भी हो सकता है, वन वीक भी हो सकता है, वन ईयर भी हो सकता है। इट मीन्स फ्लो वेरिएबल आर, जो फ्लो वेरिएबल है वो किससे रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। सो दीज वेरिएबल आर टाइम डायमेंशनल एज दे आर मेजर्ड, क्योंकि हम इसको मेजर करते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम में। एग्जाम्पल देर आर गिवन सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू फ्लो वेरिएबल एंड द स्टॉक वेरिएबल। द अमाउंट ऑफ वॉटर इन टैंक, द अमाउंट ऑफ, यस लुक एट द स्क्रीन, द अमाउंट ऑफ वॉटर इन टैंक इन द क्वांटिटी ऑफ वॉटर इन अ टैंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। हम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम में वॉटर पूछ रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ वॉटर, कितनी क्वांटिटी ऑफ वॉटर के टैंक में। इट्स रिलेटेड टू पॉइंट ऑफ टाइम, सो दिस इज द स्टॉक वेरिएबल। ऑन द अदर हैंड वॉटर फ्लोइंग, जो वॉटर फ्लो कर रहा है टैंक से, टैप में से, इज द फ्लो ऑफ वॉटरिंग बींग एडिड टू द टैंक पर यूनिट्स ऑफ टाइम, सो दिस इज द फ्लो कंसेप्ट। द टोटल नंबर ऑफ हाउसेज, जो टोटल नंबर ऑफ हाउसेज है 31 दिसंबर को, पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड है, सो स्टॉक कंसेप्ट है। बट वाइल द नंबर ऑफ हाउसेज जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर में, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड है, सो दिस इज द फ्लो कंसेप्ट। नाउ डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल, स्टॉक वेरिएबल कौन सा वेरिएबल है, रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो स्टॉक वेरिएबल है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं तो फ्लो वेरिएबल है। टाइम डायमेंशनल, क्योंकि ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, सो स्टॉक वेरिएबल डजंट हैव अ टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं है। बट फ्लो वेरिएबल हैज अ टाइम डायमेंशन, ये टाइम डायमेंशन है, टाइम वन ईयर भी हो सकता है, वन वीक भी हो सकता है, वन डे भी हो सकता है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, इट इज अ स्टैटिक, ये स्टैटिक कंसेप्ट है, बट जो फ्लो है ये डायनामिक कंसेप्ट है। एग्जाम्पल स्टॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ऑन 31 मार्च 2019, हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्टॉक हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ मारुति कार इन दिल्ली, दिस इज ऑल्सो अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। नेशनल वेल्थ, क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड। नाउ फ्लो कंसेप्ट, नंबर ऑफ बर्थ एंड डेथ रेट, जो बर्थ रेट है, डेथ रेट है, इट्स रिलेटेड टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये ओवर अ पीरियड वन ईयर से रिलेटेड है, सो दीज आर द फ्लो कंसेप्ट। मारुति कार्स इन दिल्ली वो स्टॉक कंसेप्ट है, बट मारुति कार मैन्युफैक्चरर ड्यूरिंग जनवरी 2019, ये पर्टिकुलर मंथ से रिलेटेड है, जैन मंथ से रिलेटेड है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, सो इट्स अ फ्लो कंसेप्ट। एक्सपेंचर और ट्रांसैक्शन इन मनी, फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम, फ्लो कंसेप्ट। एंड क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोड्यूस, दिस इज ऑल्सो अ फ्लो कंसेप्ट। नेशनल वेल्थ स्टॉक है, बट नेशनल इनकम होल ईयर से रिलेटेड है, होल ईयर की इनकम को शो कर रहा है, सो दिस इज द फ्लो कंसेप्ट।